बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। इस बार सूखा पड़ने के कारण सभी जीव जंतु प्यास के कारण मर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। आखिर मेरे खुदाए गए तालाब में पानी क्यों नहीं निकल रहा है? बाबा इसका कोई उपाय बताओ। महाराज इसका उपाय तो है, लेकिन उपाय बहुत ही कठिन है। बाबा आप मुझे बताइए कि वह क्या उपाय है। मैं इन जीवों को इस प्रकार मरते हुए नहीं देख सकता। मैं इन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप मुझे उपाय बताइए। तो सुनिए महाराज, इस तालाब में पानी आ सकता है यदि आप अपने बड़े बेटे या फिर बड़ी बहू की बलि इस तालाब पर दें, तो इस तालाब में पानी आ सकता है। महारानी जी, साधु बाबा ने बताया है तालाब में पानी तो निकल सकता है, लेकिन तालाब पर अपने बड़े बेटे या फिर बड़ी बहू की बलि देनी पड़ेगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? महाराज हम अपनी बहू की बलि दे देते हैं, अगर बेटा जीवित रहेगा तो दूसरी बहू भी आ जाएगी, यदि बेटा ही नहीं होगा तो बहू किस काम की। राजा की बड़ी बहू छिप कर ये सारी बातें सुन रही थी। ये सारी बातें सुनने के बाद वह अपने शयन कक्ष में चली जाती है। अरे रूपमती, आज तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बात है? वैसे तो तुम मेरे आते ही खुशी से झूम उठती थी, लेकिन आज तुम इतना गुमसुम क्यों हो? क्या बताऊं स्वामी, दुखी इसलिए हूं कि हमारा तुम्हारा साथ बस यही तक था। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? स्वामी पिता श्री ने जो तालाब खुदवाया है उसमें पानी नहीं निकल रहा है, तो साधु बाबा ने मेरी बलि चढ़ाने को कहा है, जिससे तालाब में पानी आ जाएगा और सुबह ही मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, इसीलिए मैं दुखी हूँ। अरे रूपमती, तो इसमें इतना दुखी होने की क्या हो सकता है? तुम आराम से खाना खाओ, हम लोग आज रात में ही यहाँ से भाग जाएंगे। आधी रात होते ही वह दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। रूपमती अब हम दोनों अपने राज्य से काफी दूर आ गए हैं, चलो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। फिर वे दोनों वहीं पर सो जाती हैं, तभी एक सर्प आकर रूपमती के पैर में डस लेता है। बहुत अच्छी नींद आई, चलो रूपमती। अरे ये क्या रूपमती, तुम्हें क्या हो गया? हे ऊपर वाले, तुमने ये क्या कर दिया? मेरी रूपमती को क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रूपमती। हे भगवान, मुझे भी मार डालो, जिसके लिए मैंने घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, वही मुझे छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? बाबा मेरी मदद करो, बाबा मेरी पत्नी को सर्प ने डस लिया है, मेरी मदद करो। अरे बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन याद रहे तुम इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताओगे। यदि तुमने किसी को बताया
तो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा बाबा, बस आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तो ठीक है बेटा, यह जल हाथ में लेकर 3 बार बोलो कि मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूँ। बेटा, अब इस जल को अपनी पत्नी के ऊपर डाल दो। अरे कितना समय हो गया और मैं सोती ही रही और आपने मुझे जगाया तक नहीं। इतनी देर में तो हम बहुत दूर निकल जाते। कोई बात नहीं रूपमती, चलो अब चलते हैं। स्वामी, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लग रही है, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। अच्छा सुनो, वहाँ पर देखो, वहाँ पर कोई झोपड़ी नजर आ रही है, चलो वहीं चलते हैं। हो सकता है वहाँ पर हमें कुछ पानी पीने को मिल जाए। अरे भाई, हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या हमें कुछ पानी पीने को मिल सकता है? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, कुआं वहाँ पर है, चले जाओ और पानी निकाल कर पी लो। रूपमती, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। अरे इतनी सुंदर स्त्री होकर भी तुम यहाँ वहाँ कहाँ भटकती घूम रही हो? क्या बताऊँ भैया, यह तो मेरी फूटी किस्मत है जो मैं यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। फिर रूपमती उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। अरे राम राम राम, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लेकिन आज नहीं तो कल जब आप अपने राज्य वापस जाएंगी तो वह राजा तुम्हारी बलि जरूर चढ़ा देगा। क्या करूं भैया, अकेले तो कहीं भागकर भी तो नहीं जा सकती हूँ। मेरी मानो तो तुम अपनी जान के लिए कोई भी खतरा मोल ना लो, तुम अपने पति को मार दो और मेरे साथ यहाँ पर रह लो, यहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, हम दोनों आराम से यहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं उसे कैसे मार सकती हूँ, तुम ही मार दो। अरे नहीं नहीं, पति तुम्हारा है तो मारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। फिर वह पीछे से जाती है और राजकुमार को कुएं में धक्का दे देती है। राजकुमार कुएं में गिर जाता है। उन दोनों को लगा कि राजकुमार पानी में डूब गया है। अरे चलो चलो, यहाँ से भाग चलो, हम लोग कहीं दूसरी जगह चलते हैं। पूरी रात राजकुमार कुएं में लटका रहता है। अरे हरिया, मैं पानी लेने जा रहा हूँ, तब तक तू मेरी भेड़ों को चराना। ठीक है श्यामू भैया, लेकिन जल्दी आ जाना। श्यामू जैसे ही अपना घड़ा कुएं में लटकाता है, तभी राजकुमार रस्सी को पकड़ लेता है। अरे कौन है, कौन है कुएं में, छोड़ दो मेरा घड़ा। नहीं भैया, मैं आपका घड़ा ऐसे नहीं छोड़ूंगा, पहले आप मुझे बाहर निकाल लो। अरे भाई तुम हो कौन, पता नहीं तुम कोई भूत प्रेत ही हो, और मैं तुम्हें बाहर निकालूं, तुम मुझे ही खा जाओ। नहीं नहीं भैया, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं रात के अंधेरे में गलती से गिर गया हूँ, भैया मुझे बाहर निकाल लो। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको बाहर निकालता हूँ। अरे भाई, परदेसी हूँ, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तभी गलती से कुएं में गिर गया, लेकिन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई,
तो आपको काम चाहिए, तो चलो मेरे साथ, मैं आपको काम दिलवाता हूँ। मैं तुम्हें काम पर तो रख सकता हूँ, लेकिन तुमने काम में जरा सी भी बेईमानी की तो मैं तुम्हें बिना किसी तनख्वाह के धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। उधर रूपमती को जब कोई काम नहीं मिला तो वह एक नाचने वाली चंद्रप्रभा के नाम से मशहूर नर्तकी बन गई। राजकुमार पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करने लगता है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। सेठ जी, राजा के घर में पुत्र ने जन्म लिया है, इसलिए राजा जी ने मशहूर नर्तकी चंद्रप्रभा को नाचने के लिए बुलाया है, इसलिए राजा ने आपको आमंत्रित किया है। अरे सेठानी जी, आज मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं राजा के घर से दावत खाकर आऊंगा, वहाँ पर आज मशहूर नर्तकी चंद्रप्रभा आएगी। मालिक, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम नौकर चाकर आदमी वहाँ कहाँ जाओगे, राजा के घर में बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, तुम उनके बीच कैसे बैठ पाओगे। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे सेठ जी, अगर ये जाना चाहता है तो इसे क्यों रोक रहे हैं, ये भी तो हमारे बेटे जैसा है, अगर कोई पूछे तो उसे बता देना कि ये मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सेठानी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो बेटा तुम भी चलो। चंद्रप्रभा जैसे ही नाचने के लिए आती है तो राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है और चंद्रप्रभा भी उसे पहचान लेती है। महाराज, मैं यहाँ पर नृत्य नहीं कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन चंद्रप्रभा, तुम यहाँ पर नृत्य क्यों नहीं कर सकती? महाराज, यहाँ पर एक चोर है जिसने मेरे गहने चुराए थे, पहले आप उस चोर को सजा दो, फिर मैं नृत्य करूँगी। अरे चंद्रप्रभा, किसने तुम्हारे गहने चुराए हैं? बताओ मुझे, मैं उसे अभी फांसी पर चढ़ा देता हूँ। महाराज, ये है मेरा चोर जिसने मेरे गहने चुराए थे। सैनिकों, इसे ले जाओ और फांसी लगा दो। महाराज, मैंने इसकी चोरी नहीं की है, यह औरत झूठ बोल रही है, जबकि मैंने ही इसे बहुत कुछ दिया है। तूने मुझे क्या दिया है, चल निकल जा यहाँ से। चला जाऊंगा, उससे पहले मैंने तुझे जो भी दिया है वह मेरा वापस कर दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, तूने मुझे जो भी दिया है वह मैं वापस करती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, अपने हाथ में जल लो और तीन बार बोलो कि तुमने मुझे जो भी दिया है वह मैं तुम्हारा वापस करती हूँ। तूने मुझे जो भी दिया है वह सब मैं तुझे वापस करती हूँ। तूने मुझे जो भी दिया है वह सब मैं तुझे वापस करती हूँ। तूने मुझे जो भी दिया है वह सब मैं तुझे वापस करती हूँ। अरे दुष्ट, तूने यह क्या कर दिया, तूने इस नर्तकी की जान ले ली, तू तो चोर होने के साथ साथ एक तांत्रिक भी है। नहीं महाराज, मैं कोई चोर नहीं और ना ही मैं कोई तांत्रिक हूँ, मैं बल्लभगढ़ का राजकुमार इंद्रसेन हूँ और यह कोई नर्तकी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। फिर राजकुमार सभी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। महाराज, मैंने इसे अपनी आधी उम्र दी थी, जैसे ही इसने मेरा दिया हुआ मुझे वापस कर दिया तो इसकी मृत्यु हो गई। ये सारी बातें सुनकर राजा हैरान रह जाता है। राजकुमार, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप इतने महान राजा के पुत्र हैं। फिर राजा अपनी बड़ी पुत्री प्रेमलता का विवाह उस राजकुमार के साथ कर देता है।